हेलो, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस बताने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल का। और कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है? तो ये प्रैक्टिकल 50 नंबर का होता है आपका। इस 50 नंबर के प्रैक्टिकल्स में पहला क्वेश्चन डिसेक्शन का हुआ करता है। डिसेक्शन, इसमें एक डिसेक्शन मेजर का होता है और दूसरा डिसेक्शन जो होता है माइनर का होता है। ठीक है, अब चूंकि इसमें एक बात आपको और ध्यान रखना है कि डिसेक्शन में ज्यादातर डिसेक्शन अब बंद हो गए हैं, तो इसलिए डिसेक्शन की जगह पर आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको मेजर डिसेक्शन में पहले पाइलर का डिसेक्शन कराया जाता था। ठीक है, तो पाइलर में हमें क्या देखना पड़ता था? नर्वस सिस्टम। तो ये जो नर्वस सिस्टम है इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी लिखना पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से हम दे सकते हैं, राइट अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ पाइलर। ये जो है वो 12 नंबर में आपको मिलेगा, काफी ज्यादा नंबर आपको ये दिख के जाएगा, तो इसके बारे में कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको इसी में एक सेकंड कराया जाता था पेलीमॉन का। पेलीमॉन्स के आपको अपेंडिजेस के बारे में लिखना होगा। तो आपको नर्वस सिस्टम दिया जा सकता है या फिर पेलीमॉन का अपेंडिजेस। पेलीमॉन में आपने दो तरीके के अपेंडिजेस पढ़े होंगे, एक सेफेलिक, सेफेलिक अपेंडिजेस, और इसी में थोरेसिस अपेंडिजेस पढ़े होंगे, और थर्ड जो पढ़ा होगा आपने एब्डोमिनल अपेंडिजेस। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिए। सेफेलिक थोरेसिस एब्डोमिनल अपेंडिजेस, इन दो को कंबाइन किया जाता है और ये सेपरेट रहता है। तो या तो आपको ये दोनों लिखने के लिए आएंगे या इसके बारे में लिखने के लिए आएगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आपको ये तीनों तैयार करना है, एब्डोमिनल सेफेलिक थोरेसिस अपेंडिजेस के बारे में डिटेल स्टडी लिखनी होगी, यानी कि राइट अबाउट द सेफेलिक एंड थोरेसिस अपेंडिजेस ऑफ पेलीमॉन 12 नंबर में। ठीक है, या तो अथवा में मिले, ये हो सकता है, कुछ बच्चों को ये मिल सकता है, कुछ बच्चों को ये मिल सकता है, इसके बारे में लिखने के लिए। ओके, यहां तक हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आता है डिसेक्शन माइनर वाला। ये जो माइनर डिसेक्शन होता है ये 5 नंबर देता है। कितने का है? 12। ये है 5 नंबर का। तो 5 नंबर का माइनर डिसेक्शन जो है, इस माइनर डिसेक्शन में क्या दिया जाता है आपको पता होना चाहिए। इसमें हम एक तो कार्नोमस लार्वा को निकलवाते थे, याद है? और अगर आप कार्नोमस लार्वा जो है वो यहां नहीं मिलता है, तो मैं लिस्ट बता देता हूं। कार्नोमस लार्वा, इसकी आपको सलिवरी ग्लैंड्स निकालना होंगे। और सलिवरी ग्लैंड्स में से क्या देखना है ना, इसकी सलिवरी सेल्स देखनी है, उसमें क्रोमोसोम देखना है। और क्रोमोसोम में जॉइंट क्रोमोसोम होते हैं, यह तो इसको लिखने के लिए आ सकता है जॉइंट क्रोमोसोम्स के बारे में। या फिर सेकंड पार्ट जो है इसका, ए पार्ट है और बी, तो या ए आएगा या बी आएगा, उसमें से सेकंड यानी कि क्या होगा। सेकंड में आपने अर्थवर्म का नर्व रिंग निकालना होगा, नर्व रिंग ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, तो अर्थवर्म की नर्व रिंग
या तो मिलेगी आपको, या फिर अर्थवर्म में ही आपको थर्ड पार्ट कराया गया होगा, उसका नाम है सेप्टल नेफ्रिडिया। अर्थवर्म की जो सेप्टल नेफ्रिडिया है उसका डिसेक्शन कराया जाता है, और इसी के साथ सेप्टल नेफ्रिडिया के साथ साथ क्या निकलवाया जाता है, एक आपको इसमें निकलने के लिए सेमिनल वेसिकल भी दी जाती है या स्पर्मेथिका, बहुत सारे पार्ट्स है इसमें, ओवरी या टेस्टिस। तो फिलहाल सेप्टल नेफ्रिडिया मिल सकता है या फिर नर्व रिंग मिल सकती है, तो इनके बारे में लिखना नहीं होगा, या फिर लिखना भी हो सकता है जहां पर डिटेक्शन नहीं कराया जाएगा वहां पर आपको लिखना होगा नर्व रिंग या सेप्टल नेफ्रिडिया के बारे में, ठीक है। या फिर कैरोनिमस लार्वा, कैरोनिमस लार्वा को हम थर्ड पार्ट में भी डाल सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल साइटोलॉजी का क्वेश्चन आता है, साइटोलॉजी के क्वेश्चन में आपको ये मिल सकता है कैरोनिमस लार्वा के बारे में, या फिर सेकंड क्वेश्चन ये है माइटोसिस के बारे में आप पढ़ के जाइए, माइटोसिस के बारे में लिखने के लिए ये आ सकता है, क्लियर। तो ये जो साइटोलॉजी एक्सपेरिमेंट है ये 5 नंबर का है, ओके। 5 नंबर का आपको साइटोलॉजी एक्सपेरिमेंट मिलेगा, इस एक्सपेरिमेंट में माइटोसिस के बारे में लिखना होगा या फिर जाइंट क्रोमोसोम, कैरोनिमस लार्वा की सिलिवरी ग्लैंड से जब जाइंट क्रोमोसोम निकाला जाएगा तो उसके बारे में हो सकता है लिखें आप, या फिर माइटोसिस के बारे में लिखना होगा। फिलहाल ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है, इनमें से आपको कोई भी चीज दी जा सकती है, अल्टरनेट ऑर्डर में भी दी जा सकती है, किसी को जंपिंग दे दी निकालने के लिए, सेप्टल नेफ्रिडिया किसी को निकालने के लिए दे दिया, ठीक है। बाकी माइटोसिस तो सबको ही मिलेगा लिखने के लिए। उसके बाद आपको टेम्परेरी स्लाइड बनाने के लिए कहा जाएगा, आप या तो टेम्परेरी स्लाइड बनाइए, मतलब आपको एक तीन नंबर की टेम्परेरी स्लाइड बनाने को दी जाएगी, और एक दी जाएगी आपको परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए, दोनों स्लाइड आपको बनाना है, क्लियर। एक परमानेंट स्लाइड आएगी, टेम्परेरी स्लाइड, परमानेंट स्लाइड 5 नंबर की होगी, टेम्परेरी स्लाइड 3 नंबर की होगी। टेम्परेरी स्लाइड्स में कुछ भी मटेरियल दिया जा सकता है जैसे जो आपको क्लास में दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल ओबेलिया की कॉलोनी, ओबेलिया कॉलोनी आपको बनाने के लिए दी जा सकती है, ठीक है। ऑनियन रूट टिप्स दी जा सकती है, इनमें से कोई भी मटेरियल किसी में भी दिया जा सकता है। इसके अलावा जेन्यूल्स की स्लाइड परमानेंट में दी जा सकती है, कोई भी स्लाइड किसी में कोई भी मटेरियल दिया जा सकता है, आपको स्लाइड बना दिया एक टेम्परेरी और एक परमानेंट, तो जेन्यूल्स हो सकता है, और आपको जो बनाने के लिए मटेरियल दिया गया हो जिस स्कूल में जिस कॉलेज में दिया गया हो उस कॉलेज में आपको वो मटेरियल की एक टेम्परेरी स्लाइड और एक परमानेंट स्लाइड बनाना होगी, वो बता देंगे आपको कि किस मटेरियल की परमानेंट स्लाइड बनानी है और किस मटेरियल की टेम्परेरी स्लाइड बनानी है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, उसमें क्या है आपको पहचानना होगा, आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है आपको, स्पेसिमेंस को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके आपको उसके बारे में लिखना होगा, आइडेंटिफाई एंड और राइट द कमेंट्स, राइट द कमेंट्स अपॉन अब स्पॉट्स जो हैं उसमें आपको 1 से लेकर 10 तक के स्पॉट दिखाए जाएंगे जो एक एक नंबर के होंगे 10 नंबर में, ठीक है। स्पॉटिंग में आपको क्या क्या मिल सकता है, 10 स्पॉट में आपको
पांच स्पेसिमेन दिए जाते हैं, ठीक है, फाइव स्पेसिमेन होंगे और फाइव आपको स्लाइड्स दी जाएंगी पहचानने के लिए। ओके, तो पांच स्पेसिमेन होंगे और पांच स्लाइड्स होंगी, वही फाइनल की स्लाइड्स होंगी आपको पोरीफेरा से लेकर 91 डॉलर की तक की उस राइड दी जाएगी। यहां तक आपको स्लाइड्स के स्पेसिमेंट्स में से कोई भी पांच स्पेसिमेंट रख दिए जाएंगे, एक एक करके आपको सबको पहचानना है, उसके बारे में लिखना है। अब पांच स्लाइड्स होगी, पांच स्लाइड्स में आपको माउंट पार्ट्स की स्लाइड दी जा सकती है, एक माउंट पार्ट्स मिलेगी जरूर, तो उसको आप तैयार करके जाइए। और आपको माउंट पार्ट्स के अलावा जो प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं उनकी स्लाइड दी जा सकती है, उनको तैयार करके जाइएगा। सिक्स नंबर में आपको वाइवा का लाइन, ठीक है, सिक्स जो क्वेश्चंस होगा वो वाइवा का होगा, वाइवा आपका वही फाइव नंबर का वाइवा होगा। वाइवा में आप कोई भी एक टॉपिक तैयार करके जाइए, बता दीजिए हमने ये तैयार किया, उसके बारे में पूछे जा सकते हैं। ये वाइवा में आपके प्रैक्टिकल्स से ही क्वेश्चन किए जाएंगे। सेवन क्वेश्चन जो होगा वो रिकॉर्ड का होगा, तो आपने जो फाइल तैयार की है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की, ठीक है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल जो है क्लास की उसके आपको पांच नंबर दिए जाएंगे, कंप्लीट फाइल तैयार होनी चाहिए छह, ठीक। इस तरीके से ये आपका टोटल 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाएगा। ओके, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो हमें कमेंट्स में लिख दीजिए, उसके आंसर आपको दे दिए जाएंगे।